आर्यन खान जन्नत होम आए थे और फिर उसके बाद हम चाय पीने बाहर गए। आर्यन तो एक्टर शरी बेटा, इससे ज्यादा मेल जोल अच्छी बात नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान है, आपकी दोस्ती हो जाएगी और फिर वो आपसे मिलने घर आया करेंगे, आप देखना। बेटा हमें अपने जैसे ही लोगों से मिलना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी, मैं आपकी बात समझूं। अब वो बात बताएं जो आप कहने आई हैं, मतलब वो आपके कहने पे जन्नत होम आए, वेरी गुड, इतना टाइम कैसे निकाल लिया उसने? तो अच्छी बात है ना बाबा, उन्होंने आकर वहाँ डोनेशन दिए और उन पैसों के मैंने वहाँ एसी लगवाए हैं। अभी जुबैदा आंटी से बात हुई, वो बहुत खुश हैं, बल्कि सब लोग वहाँ बहुत खुश हैं। शरी बेटा, डोनेशन की हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मेल जोल अच्छी बात नहीं। इंसान बन जाओ, मार खाओगी मुझसे। भाई मैंने क्या किया है अब? बाबा को मैंने तो नहीं कहा था ना मना करने के लिए। सी आ रही है तो रोकू? तुम्हें ना हॉस्पिटल में पैदा होते ही चेंज कर लेना चाहिए था, हमें कोई फायदा नहीं तुम्हारा। बजाय इसकी बाबा जान के पास जाके बात करूं या बैठ के दांत निकाल रही है। मुझे तो पहले ही लगा था बाबा मना कर देंगे। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि बाबा हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करते आए हैं, लेकिन आज आज ऐसे लगा जैसे वो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। नहीं शैली, ऐसी कोई बात नहीं है। माना कि आर्यन खान एक एक्टर है, मगर मैं तो उनकी बेटी हूँ ना, मुझे ट्रस्ट कर ले अगर उसको नहीं करे तो। शैली सो रही है? जी बाबा, वो तो सो रही है अब तक। अच्छा, वो उठे तो उससे कहना कि आर्यन को खाने पे घर बुला ले। वाकई बाबा? हाँ, मैंने कुछ सोचा था रात में। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक अदद गुड न्यूज है। रमशा, सुबह सुबह इंसान नाश्ते का पूछता है, खबरें लेकर आ गई हो। देखो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें सुनना है तो सुनो, वरना मैं किचन में जा रही हूँ। अच्छा सुनो, बोलो क्या है? वो कहना ये था कि बाबा ने तुम्हारे आर्यन खान को डिनर पे इनवाइट करने की परमिशन दे दी। वाकई? बाबा से किसने कहा, तुमने या उन्होंने खुद बात की? हाँ, मुझे बाबा ने बताया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आर्यन। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मैंने मिस्ड कॉल देखी थी। मैं आपको कॉल कर रही थी, मैसेज भी किया, मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप ठीक है ना? फोन साइलेंट पे था शायद। सब खैरियत थी ना? ओ अच्छा, तो आप बिजी थे, मुझे लगा कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पता है मैं आपके लिए बहुत दुआएं कर रही थी कि आप ठीक हों। थैंक गॉड। बस ये समझ लीजिए कि आपकी दुआएं लग गई मुझे। इसका मतलब वाकई में कोई प्रॉब्लम थी? आप ठीक है ना आर्यन? अरे नहीं, मैं ऐसे ही जनरली बात कर रहा था। दुआएं तो जितनी भी हो लेनी चाहिए, जहाँ से मिले जितनी भी मिले। आपका वॉइस नोट आया था, कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ, मैं इसलिए बार बार कॉल कर रही थी कि मुझे आपसे एक काम था। आप प्रॉमिस करें आप मुझे इनकार तो नहीं करेंगे? आपका और मैं इनकार करूं? बताइए क्या काम? वो ना, मैं आपको अपने घर बुलाना चाह रही थी, अपने बाबा और सिस्टर के साथ डिनर पे। आप चुप हो गए? अगर आप बिजी हैं तो मुझे बता दें। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप इनवाइट कर रही हैं, मैं क्यों मना करूंगा, जरूर आऊंगा। आपने मेरा मान रखा, थैंक यू सो मच। वैसे आज शाम को आप फ्री है ना? जी जी, मैं फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, जरूर आऊंगा। और एक और बात, ये शुक्रिया अदा करने वाली बात दोबारा मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। बहुत फॉर्मल सा लगता है सब कुछ। आपनी लोकेशन मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, शाम को मिलते हैं। जी जी, मैं कर दूंगी। दिल का क्या करें, बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।